क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। जी देखिए, ऐसा है, ये भारत में 100 करोड़ जो अपना हिंदू समाज है, पिछले 9 सालों में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब जैसे देश में भी हमारे मंदिर बन रहे हैं। कहीं भी जाओ आप, अफ्रीकन में जाओ, यूरोपियन कंट्री जाओ, अमेरिकन में जाओ, अमेरिका के जो भी देश हैं, सब में कहीं ना कहीं मंदिरों की स्थापना हो गई। भगवानों को हम राजनीति में नहीं लेके आते, हम सनातन धर्मी हैं और भगवान में हमारी आस्था है। नहीं, रामलला तो विराजमान वहाँ पे थे ही, वो एक भव्य मंदिर बन रहा है जो बाबर, जिस तरह से बाबर ने विध्वंस करके बनाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK247 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ विशाल सिंह। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था उसकी 22 जनवरी 2024 को उसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे, जिसका न्योता प्रधानमंत्री मोदी को जा चुका है। इस विषय पर हम लोगों से चर्चा करेंगे और भाजपा ऑफिस के बाहर हम यहाँ मौजूद है, प्रवक्ता कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज को। सर, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। जी देखिए, ऐसा है, ये भारत में 100 करोड़ जो अपना हिंदू समाज है, या हम कहें कि 125 करोड़ जो लोग यहाँ जो रहते हैं, एक 500 वर्षों का सपना यदि किसी ने साकार किया है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो आज वह हमारा जो सपना है वो साकार हो रहा है, और इस राम मंदिर के लिए अनेकों लड़ाइयाँ, अनेकों युद्ध यहाँ पर हुए भारत के अंदर कि राम मंदिर बन जाए, लेकिन वो आज तक वो राम मंदिर बन ना सका। और अब तक लाखों लोग आज उस मंदिर को बनवाने के लिए शहीद तक हो गए, लेकिन आज वह राम मंदिर का बनाने का यदि सपना यदि किसी ने साकार किया है तो आज मोदी सरकार में, और आज आदरणीय भारत के नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदू समाज का सपना साकार किया है, जो आज 22 जनवरी को, जो अभी डेट भी हमारे पास आ चुकी है, जो लोग ये कहते थे कि आप राम मंदिर तो बनाओगे लेकिन डेट नहीं बताओगे, लेकिन अब वो डेट भी फाइनल हो चुकी है। 22 जनवरी को जो लोग हमसे डेट मांगते थे, आज वो डेट फाइनल हो गई है, और पूरे 125 करोड़ आज वहाँ पर 22 जनवरी को वहाँ जाने वाला है, और सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी वहाँ पर आएँ और राम लला जी के दर्शन करें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति की होगी वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगी, और हमारा 500 वर्षों का हिंदू समाज का सपना वो 22 जनवरी को साकार होने वाला है। 2020 में जब फैसला सुनाया गया था तब काफ़ी वाद विवाद हुआ था, कुछ लोग इसके विरोध में भी थे, कुछ लोग कहते हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, क्या जवाब देंगे उन्हें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वाद विवाद को आज पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। इस राम मंदिर को रोकने के लिए, आपको जानकारी होगी कि इस राम मंदिर को रोकने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े अवरोध लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ बड़े से बड़े वकील इन्होंने खड़े किए कांग्रेस सरकार ने, और राम मंदिर किसी प्रकार से बनना, मतलब वो उस पे फैसला आना रुक जाए, लेकिन इस सपने को साकार, राम मंदिर बनाने के सपने को साकार यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इन्होंने खूब रोक लगाए, और रोक क्या लगाए, इन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही इन्होंने मानने को मना तक कर दिया कि एक राम एक काल्पनिक है, राम कोई शब्द नहीं है, राम कोई नाम नहीं है, ये काल्पनिक कहानियां हम लोगों ने गठित कर रखी हैं, और ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कभी कहते थे कि वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, कभी कॉलेज बनाओ, कभी धर्मशाला बनाओ, आप ये बता दो राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये हमारे एक हमारे श्रद्धा का केंद्र है राम मंदिर, और बताओ भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इसीलिए आज वह 500 वर्षों का यदि सपना यदि किसी ने साकार किया है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, जैसा कि भारत में तो बन ही रहा है, विदेशों में भी जो है मंदिर निर्माण किए जा रहे हैं, अमेरिका में नींव रख दी गई है मंदिर की, कैसे देखते हैं ये जो चीजें हुई है सनातन धर्म प्रमोशन की, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 9 सालों में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब जैसे देश में भी हमारे मंदिर बन रहे हैं। कहीं भी जाओ आप, अफ्रीकन में जाओ, यूरोपियन कंट्री जाओ, अमेरिकन में जाओ, अमेरिका के जो भी देश हैं, सब में कहीं ना कहीं मंदिरों की स्थापना हो गई। जब हमारे क्या सिद्धि से संकल्प तक, संकल्प से सिद्धि तक मोदी जी ने लिया, तो आज पूरी दुनिया मोदी जी का सत्कार कर रही है। और ये जो आप कह रहे थे कि भाई ये लोग जो कहते हैं हॉस्पिटल बनवा लो, आज वही लोग राम को और हनुमान को सबसे आगे ले चलते हैं। ये तुच्छ राजनीति के शिकार हैं। भाजपा ने जो कहा वो किया। राम मंदिर के लिए और अधिकारी विरोध हमारे जो कलकत्ता में थे दोनों शहीद हुए, और
कई पीढ़ियाँ शहीद हुई हैं, क्या पता कितने बाण में कार सेवक, जितने भी राम सेवक थे, कार सेवक थे, घर पकड़ते, घर घर से पकड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि सनातन के रोम रोम में राम है, हमारे रोम रोम में राम है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था कि राम मंदिर जहाँ है वहीं बनेगा, राम जी बना, और ये अगस्त में मोदी जी ने, अब ये जनवरी में इसका उद्घाटन है, और वही लोग हैं अब हम मंदिर में जा जा कर मत्था भी टेकते हैं और राम को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था हमने लोगों की जागृत की है, भाजपा ने लोगों की आस्था जागृत की है। ठीक है सर, एक तरफ हम देख रहे हैं जब मंदिर निर्माण होता है तो राजनीति में भगवानों को बीच में लिया जाता है, कर्नाटक चुनाव की बात करें बजरंग बली जो है राजनीति के चर्चा में रहे थे, क्या कहना चाहेंगे जब भगवानों को राजनीति में लिया जाता है? देखिए भगवानों को हम राजनीति में नहीं लेके आते, हम सनातन धर्मी हैं और भगवान में हमारी आस्था है। आपने देखा होगा पीछे जब प्रधानमंत्री मोदी जी मंदिर के शिलान्यास के लिए गए थे तो कपिल सिब्बल कोर्ट में पहुंच गए थे कि अभी इसकी डेट को डिक्लेयर ना किया जाए, इसको रोका जाए, उसका चुनाव से क्या लेना देना है। हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, उस आस्था के तहत हम अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष है कि राम जी हुए ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक कथा है, राम सेतु को तुड़वाने की बातें चल रही थी, आपने देखा होगा पीछे कांग्रेस टाइम में। तो हम कभी भी, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक विचारधारा है, भाजपा कभी भी धर्म को बीच में लेके नहीं आती, लेकिन हाँ हमें गर्व है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और हमें इस बात का भी गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हमें देश के प्रधान सेवक मिले हैं जिनका आज वर्ल्ड के अंदर डंका बज रहा है, 76% अप्रूवल रेटिंग मिल रही है, ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं, उनके नेतृत्व में आज देश प्रगति पथ पे आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हमारे सनातन संस्कृति को दोबारा उकेरा जा रहा है, तो इसमें हमें गर्व कर रहे हैं हम। क्या लगता है भाजपा की सरकार सत्ता में आने से पहले सनातन धर्म में लोगों में जागरूकता की कमी थी? देखो फर्क जरूर था, पहले आपने देखा होगा हम सनातन धर्मी हिंदू लोग तिलक करते हुए भी शर्म महसूस करते थे, चोटी रखना तो दूर की बात थी, हमारे को शिक्षा दीक्षा ऐसी दी जा रही थी कि औरंगजेब को महान बताया जा रहा था। आज आप देख रहे हो, आज हम तिलक भी कर रहे हैं, चोटी भी रख रहे हैं और अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू वर्ल्ड के अंदर भारत हिंदू प्रधान देश है, आज इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आवाज़ उठ रही है, पहले तो बोलना भी मुश्किल हो रहा था। आपने औरंगजेब का जिक्र किया, अभी हाल ही में सुना होगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लोग व्हाट्सएप डीपीआ लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे औरंगजेब के नाम का, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहूँगा, अभी आपने कर्नाटक चुनाव देखा होगा, जैसे कर्नाटक चुनाव के अंदर कांग्रेस की जीत हुई वहाँ दूसरे दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, औरंगजेब तो बहुत छोटी बात होगी उसके आगे। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस का प्रभाव रहेगा वहाँ वहाँ विधर्मी लोग उभरेंगे। आज अपना महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, उनको छोटा बताया जा रहा है और औरंगजेब को बड़ा बताया जा रहा है, ऐसा इस देश में अब नहीं चलेगा, वो समय बीत चुका है। आज यहाँ मराठा महान थे उनको बताया गया, मुगलों को महान कभी नहीं बताया गया, ये हमारे को ऐसी शिक्षा दीक्षा दी गई शुरू से जब भारत देश आज़ाद हुआ कि असल इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं मैं मानता हूं उनके साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रिया अपने समय देने के लिए, और भी लोगों से चर्चा करेंगे इस विषय पर। सर क्या कहना चाहेंगे, रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजमान होने वाले अपने गर्भगृह में, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी की बात है? नहीं, रामलला तो विराजमान वहाँ पे थे ही, वो एक अब भव्य मंदिर बन रहा है, जो बाबर जिस तरह से बाबर ने विध्वंस करके बनाया था बाबरी मस्जिद, अब वो भव्य रूप में विराज मतलब है। रामलला तो पहले भी वहाँ पे विराजमान थे, पूजा तो हो ही रही थी वहाँ पे, अब ये कि उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। हम रामलला तो वहाँ से पहले भी पूजा होती रहती थी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब दोबारा उसमें भव्य निर्माण हो रहा है, और ये हम लोग ये समझिए कि गौरवशाली क्षण में है कि 500 साल बाद वह पीढ़ी है जो हम रामलला को बड़े भव्य मंदिर में देखेंगे जो आज से 500 साल पहले था। अच्छा अभी भी हम देख रहे हैं कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इसका विरोध कर रहा है, अभी भी वो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, स्कूल क्यों नहीं बनाया, तो क्या लगता है हॉस्पिटल स्कूल की कमी है भारत में? ये तो 70 साल जिन्होंने राज किया, 65 साल तक उनसे पूछना चाहिए ना, जो हज हाउस बनवा रहे थे, अखिलेश यादव जी राम मंदिर का विरोध करते हैं, गाजियाबाद में हज हाउस बनवा दिए, एक अस्पताल तक नहीं बनवाए, केजरीवाल जी यहाँ पे हज हाउस बनवा रहे हैं दिल्ली में,
96 करोड़ रुपए की लागत से, इनसे पूछो ना कि हजारों से साल भर में एक दिन उसका उपयोग नहीं होता, उसमें हाजी सालों भर तो रहता नहीं है, एक दिन के लिए ठहरने के लिए, उसके लिए आप परमानेंट एक जगह को स्थायी कर रहे हो, मतलब दूसरे के लिए वोट बैंक के लिए तो आप कर रहे हैं, और फिर कर राम मंदिर से स्कूल कॉलेज बन भी तो रहे हैं ना। MBBS की सीटों की संख्या मोदी जी ने 50,000 से बढ़ा के 1,00,000 कर दिया, 50,000 से बढ़ा के 1,00,000 कर दिया। कितने सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज खुल गए, हजारों की संख्या में स्कूल पहले से कई गुना बड़े हैं, खुले हैं, नए खुले हैं। किसी और विपक्षी से पूछे कि आप कर क्या रहे हो, कितने यूनिवर्सिटी खोले आपने, कितने स्कूल खोले, एक डाटा सरकार के पास है, वो डाटा से आप देखो स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे क्या, स्कूल कॉलेज तो खुल ही रहे हैं, मंदिर भी आवश्यकता है, स्कूल कॉलेज भी है, संस्कार क्षेत्र भी हमें होना चाहिए। बिल्कुल, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, हम देखते हैं आजकल लोगों में खासकर सनातन धर्म में जो बच्चे होते हैं जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है अपने धर्म से जुड़े हुए, क्या लगता है कैसे जागरूक होंगी जो आने वाली पीढ़ी? बच्चों में कमी नहीं है, बच्चों के माता पिता में कमी है। अगर हमें माता पिता महीने में 15 दिन में सप्ताह में साल में एक दिन भी कहीं बाहर ले जाएगा तो हमें ज़रूर संस्कार मिलेगा। अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ा है, हम पता चला कहाँ चले गए, कश्मीर की वादियों में सैर करने के लिए, अरे भैया आप जम्मू माता वैष्णो देवी चले जाओ बगल में, तो हमें कुछ संस्कार मिलेगा ना। हम 5 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को लेके जाएंगे वहाँ पे, ये देखो बेटा ये पूजा करो, ये माता देवी है, इनसे मांगो कि हम अच्छी पढ़ाई करें। आप चले गए वहाँ पे घूम रहे हैं बर्फ में, फिर कोई गोवा चले गए सर्दियों की छुट्टी में मनाने के लिए, तो वो एक आपका कल्चर कुछ दिन के लिए है। आप क्या है कि माता बच्चे जिम्मेदार नहीं है, माता पिता जिम्मेदार है उसके, अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छे संस्कार में ही पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने दिल्ली में लोगों से बातचीत करी, जैसा कि 22 जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वहाँ पर पूरा उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं, इस विषय पर लोगों से चर्चा करी। आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे राम मंदिर के निर्माण के बारे में, अपनी राय जरूर साझा करिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK247 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।